हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सीजीएल 2024 के प्री का एग्ज़ाम जो है एसएससी ने जो है कैलेंडर आउट करा था, तो उसमें सितंबर मंथ था, तो सितंबर अक्टूबर में हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होगा। तो मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। मतलब मैं भी एक मॉक टेस्ट अपना जो है स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर हो जाए, जिससे कि आप लोगों को भी अगर कोई बच्चा जो है मॉक टेस्ट वगैरह के लिए सोच रहा है तो उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। बाकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा यहाँ पे। और दूसरी बात, ये सीजीएल 2024 को टारगेट करता हुआ रहेगा, ठीक है। और आप जैसा कि मेरे बारे में अगर कोई नहीं जानता तो मैं बता दूँ कि मेरी सीएचएसएल 2023 में 416 रैंक आई है और मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट मिला है, और मेरा अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपको वो देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा एक याद रखना टारगेट रहेगा, प्री में हमें 160 प्लस करने हैं, और मैं उसी हिसाब से सारा स्टडी प्लान वगैरह सारी चीज़ें शेयर करूँगा। मतलब कौन सी चीज़ें देनी है, कब कौन सा मॉक देना है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा, कैसे हमारा पूरा जो है प्री और मेंस का सारा मॉक का रहेगा। मेंस में हमें 330 प्लस का टारगेट करना है और कंप्यूटर में 30 प्लस का टारगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं इससे रिलेटेड चीज़ें जो भी मेरे पीडीएफ्स वगैरह हैं, मतलब नोट्स वगैरह सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, और स्टडी प्लान वगैरह जो भी मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें होंगी ये भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करूँगा डेली बेसिस पे। तो ये जो है हमारा सीरीज ये 13 मई से स्टार्ट है, 13 मई 2024 से स्टार्ट है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, और इससे पहले जितना भी आपका रिवाइज करने वाली चीज़ें हैं वो आप रिवाइज करके चल लो, ठीक है। हाँ, अगर हो सकता है कि कई बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट ना हुआ हो, तो अगर जिसका भी 80-90% सिलेबस या 70 प्लस आप मान लो कि जिसका 70% प्लस जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो भी मेरे साथ ये सीरीज स्टार्ट कर सकता है। और बहुत सारे मॉक टेस्ट में जो हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे साथ में, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये 13 मई से सीरीज स्टार्ट है, इसको आप अपने कैलेंडर में नोट डाउन कर लेना, और जो है टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं, अगर मैं अपने सीजिल की सिर्फ बात करूं तो सीजिल में मेरा स्कोर रहा है 2019 से, मतलब मेरा ये 6th अटैम्प्ट होगा, तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है और इतना टाइम बिताया मैंने एसएससी में, तो बहुत सारी आपको जो है मेरी तरफ से हेल्प मिलेगी, और मेरे से जितना बन पाएगा गाइडेंस गाइड करने का उतना आपको सारी चीज़ें होगी। तो 2019 में मैं प्री फेल था और मेरे 124 मार्क्स आए थे 200 में से, और इस समय मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, हाफ भी नहीं हुआ था सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। तो इतने नंबर थे नॉर्मलाइजेशन के बाद। फिर 2020 में मैंने पूरे अच्छे से तैयारी करी, कोविड आ गया था, लेकिन 2021 में पेपर हुआ था इसका। तो 2020 सीजीएल का जो पेपर था उसमें 130 रहा था मेरा, और मैं प्री फेल हो गया था 0.7 मार्क्स से। फिर 2021 की अगर मैं बात करूं तो 2021 में मेरे 129 नंबर आए थे प्री में नॉर्मलाइजेशन के बाद 200 में से, और मेरा प्री जो है वो पास था मैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जिसकी उस समय 114 कट ऑफ गई थी मैंने वो कट ऑफ क्लियर करी थी, मतलब जो नॉर्मल वाली कट ऑफ होती है बाकी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी तो वो मैं नहीं कर पाया था, लेकिन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर अलग से इन्होंने कट ऑफ निकाली थी तो वो मेरा क्लियर था, तो इसीलिए मेरे को मेंस में बैठने का मौका मिला था। तो मेरा मेंस मैथ्स में आया था 174 आउट ऑफ 200, मेरी मैथ्स थोड़ी ठीक है, और इंग्लिश में जो मेंस था उसमें 135 नंबर थे, और क्योंकि मुझे पता था कि मैं बस प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ। देखो थोड़ा ये होता है ना, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की अगर बात करूँ तो इसमें जिसके पास स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन में हर साल, वही बच्चा सिर्फ जो है इसके लिए एलिजिबल होता है। मैं नहीं था, मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैं एज अ प्रैक्टिस करने के लिए मेंस देने गया था, तो इसी वजह से मेरा उतना ज़्यादा फोकस था नहीं कि हाँ भाई ये चीज़ें चलेंगी, तो इसलिए इंग्लिश में उतना प्रिपेयर था नहीं। और स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर देना था अलग से, तो उसमें मेरे 70 आए थे, मैं पास था लेकिन कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं हुई थी, और डिस्क्रिप्टिव साथ ही में हुआ था तो 49 आए थे मेरे 100 में से, और मैं डीवी फेल हो गया था क्योंकि मेरे पास जो ग्रेजुएशन है उसमें स्टैटिस्टिक्स जो है पढ़ी हुई नहीं थी मैंने। फिर जब 2022 में पैटर्न चेंज हो गया, अब मैं गया था भाई प्रैक्टिस करने,
हाँ भाई यहाँ पे मेंस की प्रैक्टिस करूंगा तो आगे वाले में काम आ जाएगा, लेकिन अचानक से एसएससी ने क्या कर दिया 2022 में चेंज कर दिया पैटर्न। तो उसमें मेरा प्री जो है 147 था और मैं प्री पास हो गया, और उसमें कट ऑफ भी बहुत कम गई थी, 114 गई थी, मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर रहा 147। और मेंस में देने बैठा और 291 रहा मेरा 390 में से, और कंप्यूटर में 30 रहा 60 में से। तो ये मेंस का स्कोर था, और मैं मैरिट आउट हो गया था, मतलब मेरे को पोस्टल असिस्टेंट नहीं मिल पाया, 1.5 मार्क्स से मैं रह गया था पोस्टल असिस्टेंट के लिए। फिर जब 2023 की बात करूं तो 2023 में मेरे 165 नंबर थे और मेरा प्री पास रहा, ठीक है। और इसमें मतलब मैंने काफ़ी अच्छे से जो है फोकस करके पढ़ाई करी और अपने पूरी जान झोंक दी थी, मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से सारी चीज़ें सॉल्व करी, जिसकी वजह से मेरा इतना मार्क्स बूस्ट हो पाया। और जो मेंस था उसमें मेरा थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, अभी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्यों हो गया वो चीज़। तो 270 ही रहे और मैं मैरिट आउट हो गया दोबारा से, और अभी 2024 देने बैठूंगा, और उसमें मेरे कंप्यूटर में 51 थे आउट ऑफ 60, ठीक है। तो अभी मैं 2024 के लिए अटैम्प्ट दूंगा, और इस बार थोड़ी और कोशिश रहेगी अच्छी, बाकी देखते हैं क्या होता है ना। तो अब मैं बात करता हूँ हमारे मॉक टेस्ट के सोर्सेज की। तो मॉक टेस्ट हमें कहाँ कहाँ से देने, तो हमें चार प्लेटफॉर्म से लगाने हैं मॉक टेस्ट और क्विजेज। पहला टेस्ट बुक, ठीक है, ओलिव बोर्ड, अड्डा 247, आरबी, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक चीज की बात कर लेता हूँ। टेस्ट बुक की अगर बात करूँ तो टेस्ट बुक में हमें क्या करना है, जो सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 मॉक टेस्ट 2024 नेम से होगा उसमें एनरोल कर लेना है, और उसके मॉक टेस्ट हमें देने हैं फुल मॉक टेस्ट। कौन से देने हैं? फुल मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो तो पीडीएफ के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर दोबारा से वो अगर क्वेश्चंस करते हैं मॉक के फॉर्म में तो उनके ऑब्वियसली मार्क्स बढ़ेंगे। अब आप यही सोचो कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस आप कौन से क्वेश्चंस की करोगे, पीवाईक्यू के ही करोगे, तो आपने पीवाईक्यू वहीं से सॉल्व कर लिए। फिर जब दोबारा से आप एज अ सेट सारे मिक्सअप करोगे क्वेश्चंस, तो आपको ऑलरेडी क्या होगा, मार्क्स बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि भाई आपको वो क्वेश्चंस पहले से आते हैं। लेकिन हमें जो देने हैं वो हमें इनके टेक्स्ट बुक के अपने बनाए हुए मॉक्स देने हैं, ठीक है, जो कि टीयर 1 के हैं, और ऐसे जब मेंस आएगा तो टीयर 2 के हम देंगे। तो इसके लिए पास प्रो की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बाकी अगर किसी ने ले रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पास प्रो की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टेस्ट बुक का सिर्फ पास है, ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर नहीं है इंक्लूड, वो भी आप कर सकते हो। तो हमें यहाँ से एक फुल मॉक्स देने हैं, और सैटरडे संडे जो इनका लाइव टेस्ट होता है मॉक टेस्ट, वो हमें करना है। अब बात करते हैं ओलिव बोर्ड का। तो ओलिव बोर्ड का हमें सैटरडे संडे जो लाइव मॉक टेस्ट होता है, जो कि बहुत सारे बच्चे देते हैं, वो तो हमें देना ही देना है, ठीक है। और हमें ये जो लाइव टेस्ट है ये हमें किस लिए देना है, ये हमें अपनी रैंक देखने के लिए देना है, मतलब हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं बाकी बहुत सारे बच्चों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे 1,00,000 प्लस बच्चे जो हैं अटेंड करते हैं टेस्ट को, तो जिससे रैंक जो है वो अच्छी निकल के आती है, मतलब कि एनालिसिस अच्छा होता है रैंक का। तो इसीलिए हमें लाइव टेस्ट देना है रैंक के लिए, कि हाँ भाई हम कहाँ पर लाई कर रहे हैं अभी। और जैसे ओलिव बोर्ड में क्या होता है कि आप जाओगे, मतलब अपना लॉगिन करोगे, तो उसमें टेस्ट का सेक्शन होगा, उसमें जाके आप सीजीएल टीयर 1 का जो है चूज करोगे, और सीजीएल टीयर 1 के जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, जो भी टेस्ट है, मतलब टोटल ओवरऑल 50 टेस्ट हैं, सेम वैसे ही मेंस में हम देंगे जब मेंस का हो जाएगा, मतलब प्री क्लियर हो जाएगा। तो ये 50 है मॉक टेस्ट, और ये जो है हमें अपने जो भी हमारी कमजोर चीजें हैं, मतलब जो वीकनेस है उस पर काम करने के लिए हमें ये मॉक टेस्ट देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे सैटरडे संडे हमें जो लाइव मॉक टेस्ट होता है वो देना है रैंक के लिए, अपनी रैंक देखने के लिए। और ये जो 50 मॉक टेस्ट है, ये हमें जो भी हमारे वीक चैप्टर्स है, जो भी चीज वीक सेक्शन है, वो मॉक से हमें पता लग जाए और उसके बाद हम उस पर वर्क कर सके, इसलिए हमें ये करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर एक और चीज बच्चे ध्यान रखना कि जो यहाँ पर, क्योंकि मैं ओलिव बोर्ड का मैंने पिछली बार भी मॉक लिया था और मैंने ये चीज देखी थी कि जो हम ये 50 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे वो इसी में से जो है लाइव टेस्ट बनाते हैं, इसी में से लाइव टेस्ट बनाते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सेम मिल जाए, ठीक है, तो वो आपके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि आपके रैंक वहां पे इंक्रीज कर देगा अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो, है ना। अब यहाँ पे अगर बात करूं कि परचेज आप ओलिव बोर्ड का कौन सा करोगे, तो मैंने जो परचेज कर रखा है वो एसएससी लाइट वाला जो है इनका कोर्स परचेज कर रखा है, जिसमें मॉक टेस्ट है सीजीएल टीयर 1 टीयर 2 के, और इसमें
CHSL, MTS, CPO, Steno, GD वगैरह सबके मॉक टेस्ट इंक्लूड है। और इसकी जो प्राइस था वो 799 था, बट मैंने मई कूपन कोड इस्तेमाल कर लिया जो कि मेरे ख्याल से 4 मई तक ही एप्लीकेबल है। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे नए नए कोड आते रहते हैं, तो उसमें आपको 12 मंथ्स का जो है आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन, और ये मेरा 560 रुपये में मेरे को पड़ गया ये, ठीक है। तो थोड़ा महंगा है बट क्या करें, करना तो पड़ेगा, है ना। तो आप ये ले सकते हो, मतलब मैंने तो ले लिया है और हमें इस पे मॉक टेस्ट करने हैं। आगे बात करते हैं, अब आरबी जो है प्लेटफॉर्म, ये शुभम जैन सर बहुत सारे लोग जो है उनसे जुड़े हुए हैं और मैंने भी उनको बहुत टाइम से फॉलो कर रखा है। वो जेन्युइन पर्सन है और वो जो है मैंने इसलिए चूज करा ये प्लेटफॉर्म क्योंकि मुझे पता है कि सर के पास एसएससी के मतलब पैटर्न वो समझते हैं, एसएससी का पैटर्न, तो उन्होंने जो मॉक टेस्ट या उन्होंने जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर रखे हैं वो मेरे को सही लगा, मतलब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सही लगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा इंटरफेस आपको जो है मॉक टेस्ट का वो थोड़ा सा मीडियम मिलेगा, और दूसरा इनके कई बारी मिस्टेक्स होते हैं मॉक वगैरह में, लेकिन वो हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे आपस में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको लेना है, जैसे आप आरबी का लॉगिन करोगे ऐप में या फिर वेबसाइट पे, हाँ ये सारी चीज़ें जो है वेब पे भी वर्जन अवेलेबल है जो भी मैं मॉक टेस्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर होम में जाके आपको टेस्ट सीरीज जो है आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 मॉक दिखेंगे, एक टीयर 1, एक टीयर 2 और एक ये वाला। तो टीयर 2 तो मैंने परचेस कर रखा है तो अभी तक मेरा वैलिडिटी ये चल रहा है, टीयर 1 का जो है परचेस करना है हमने अभी फिलहाल, ठीक है। टीयर 2 अभी परचेस नहीं करना है, ठीक है। टीयर 1 परचेस करना है आप लोगों ने जो कि 149 रुपीज का है, बट आप आरबीई 10 या एग्जाम 10 कूपन लगाओगे तो आपका जो है ये घटकर 134 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है, मतलब 15 रुपए कम हो जाएंगे। तो आप ये मॉक जो है कूपन लगा के इतने रुपए में आप परचेस कर लेना। और इसमें जो है देख सकते हो आप, इसमें 30 जो है फुल लेंथ मॉक मिलते हैं जिसमें से 4 फ्री हैं, आप 4 वो देख भी देख सकते हो, और 5 सेक्शनल है, और सारे के सारे टेस्ट इन्होंने अपलोड कर रखे हैं। तो यहाँ पे जो है हमें अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ से हमें जो मेनली हमारे वीक चैप्टर्स हैं और जो थोड़ा ये इनके मॉक इसलिए सही रहते हैं क्योंकि इन्होंने जीएस वगैरह के क्वेश्चंस जो है वो टू द पॉइंट दे रखे, मतलब जैसे टेस्ट बुक और ओलिव पे कभी कभार हमें इररिलेवेंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैंने दे रखा है टीयर 2 का तो मेरे को नहीं लगा, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सही है और मैंने परचेस कर लिया। और अड्डा 247 पे हमें कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर हमें जो है फ्री में डेली क्विजेज होते हैं इनके, तो वो हमें देने हैं। अब मैं बता दे रहा हूँ कि फ्री क्विजेज इनकी कहाँ से मिलते हैं, आपको अड्डा 247 जो है फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, देन उसके बाद आपका इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एसएससी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद फिर ये 3 डॉट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें अपना जो भी है मेल आईडी वगैरह नाम वगैरह ये मिल जाएगा, और यहाँ से आपको जाना है डेली क्विजेज वाले सेक्शन। जब डेली क्विजेज वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे देखेगा फुल मॉक टेस्ट, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिविक्स और ये सारी चीज़ें जो है कैटेगरी बांट रखी है। यहाँ से हमें मेनली क्विज किस किस के देने हैं, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के डेली बेसिस पे, ठीक है। ये क्विज इसलिए हमें देने हैं ताकि जो हमारा ओवर थिंकिंग हो जाता है इंग्लिश और जीएस में खासकर, क्योंकि इंग्लिश जीएस में हमारे पास टाइम बचता है, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में क्या होता है कि हमें अगर कंफर्म है तो हम मार्क कर देंगे, लेकिन इंग्लिश जीएस में ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम बच जाता है और हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, मेरे साथ काफ़ी होता है। तो ये चीज़ मेरी सुधार हुई ये क्विजेज देने से, तो क्विजेज आप दोगे। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो इंग्लिश मिक्स क्विज है ये आपको देना है, ठीक है। बाकी आप CHS अगर टाइम बचता है तो आप CHSL के भी क्विज दे सकते हो, और मेगा क्विज DSSSB को SSC के भी दे सकते हो। मतलब आपको जो है यहाँ से एक क्विज ये वाला जो है मेगा क्विज वो तो देना ही देना है, मतलब मिक्स क्वेश्चंस होंगे इसमें, और मिसलेनियस वगैरह भी देने हैं, ठीक है, इंग्लिश के। जनरल अवेयरनेस में हमें जो क्विज है यहाँ पे CGL वगैरह के ये वाला क्विज देना है, ठीक है। बाकी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4-4, 5-5 मिनट के क्विज होते हैं, ज़्यादा है भी नहीं, मतलब आप खाते टाइम भी दे सकते हो, ठीक है। और कभी भी आप मन कर रहा है ट्रैवल कर रहे हो कहीं तो आप वहाँ पे जो बैठे बैठे वो भी दे सकते हो, ठीक है, यहाँ पे क्विज। और ये SSC वाला हमें देना है टीयर 1, और जब टीयर 2 की बारी आ जाएगी तो हमें बैंकिंग की इंग्लिश के भी कुछ देने हैं, मतलब थोड़ा जो CGL मेंस में है उसमें इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है,
ठीक है 2023 में तो नहीं आया उतना मुश्किल, लेकिन 2022 में अच्छे लेवल का पूछा गया था, जंबल सेंटेंसेस वगैरह, तो वो हमें बैंकिंग रीजनिंग का करना है जिससे हमारे इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। और वैसे भी मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कब कौन सा चीज देना है, वो सारा मैं स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपको सबसे पहले अब क्या करना है, तो आपने सबसे पहला काम अपना एक नोटबुक प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसमें अपना जो भी है एसएससी, जैसे मैंने ये मेरा है तो एसएससी सीजीएल 2024 लिख लिया, सिलेबस लिख दिया प्री प्लस मेंस का, रीजनिंग के सारे सिलेबस जो भी सारे चैप्टर्स हैं, याद रखना इसमें प्री और मेंस दोनों के इंक्लूड है, सारे के सारे चैप्टर्स लिख दिए, मैथ्स के सारे चैप्टर्स लिख दिए, ठीक है, इंग्लिश के सारे चैप्टर्स लिख दिए, और मतलब किस किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, मतलब सारे जो है कैटेगरी वाइज, और ग्रामर में सारा का सारा लिख दिया, जनरल अवेयरनेस में लिख दिया, कंप्यूटर का लिख दिया और टाइपिंग का लिख दिया। तो ये मैंने सारा सिलेबस लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहला काम अपने ही सिलेबस को बहुत बारी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर रिवाइज कर लिया, तो मैंने इस पे एक टिक लगा दिया पेंसिल से, फिर जब दोबारा देखो पेपर से पहले हमें कम से कम दो बार रिवाइज कर लेना है अपना सिलेबस को, प्री के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्री से पहले हमें दो बार रिवाइज कर लेना है, तो जैसे मैंने एक बार रिवाइज कर लिया, फिर जब पेपर आने लगा तो उससे एक महीना पहले फिर मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने एक और टिक लगा दिया रिवाइज जैसे जैसे कर रहा हूं। तो दो टिक हमें कम से कम यहां पर हर चैप्टर में लगाने हैं, ठीक है, प्री से पहले जो प्री का सिलेबस है। अब जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंस ये सारे नहीं आते, तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। जब फिर मेंस आएगा तो मेंस में हम दोबारा से यहाँ पे पहला टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद जब मेंस का पेपर आएगा उससे पहले एक और बार टिक लगाएंगे, मतलब हमें प्री का जो सिलेबस है वो चार बारी कवर कर लेना है मेंस मेंस से पहले पहले, ठीक है। तो ये हमें करना है सिलेबस लिखकर। उसके बाद फिर सोर्सेज की अगर बात करूं, तो देखो ऐसा होता ना कई बार हम जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, टाइम काफी लॉन्ग पीरियड है, तो ऐसा होता है कि बीच में ना हमें बहुत सारे लोग जो है सजेस्ट करने लगते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से कर लो, यूट्यूब पे बहुत सारे आते हैं लोग कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ये नहीं कर रहा तो सिलेक्शन नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपने आप में स्टिक रहना है, मतलब आपको किसी की बात नहीं सुननी अगर बीच में किसी ने बोला कि हाँ भाई ये कर लो वो कर लो। आपको अपने जो भी सोर्सेज है, आप एक हफ्ता लगा लो सोर्सेज सोचने में, वो सोर्सेज आपको शुरू से लेके अंत तक फॉलो करना है, ठीक है। चाहे वो हो गलत, बाद में आपके साथ गलत साबित हो जाए, कुछ भी हो, आपको उसी पे स्टिक रहना है, ठीक है, जब तक पेपर ना हो जाए। तो यहाँ पर रीजनिंग में मेरा जो है सोर्स, क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी हो रखी है लेवल की, मतलब सिलेबस वगैरह सारा कंप्लीट है, अब जो मुझे करना है वो बस रिविजन और अपना जो है पी वाई क्यूज थोड़े थोड़े सॉल्व करने हैं। तो आरबी की पी वाई क्यू पीडीएफ है, मैंने कोर्स ले रखा है PDF कोर्स, तो वहां से मैं करता हूं, ठीक है, और ये मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा। और खासकर हमारे लिए जो जरूरी है सीजीएल 2024 के लिए जो जरूरी है PYQ, वो अभी जो फेज 12 का पेपर होगा, फेज 12 का पेपर, CHSL का पेपर, CPO का पेपर और MTS की जो है GS का पेपर, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टेनो आ गया तो स्टेनो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो ये सारे के प्री के क्वेश्चंस तो हमें कम से कम सॉल्व करने हैं मेंस से, सॉरी सीजीएल 2024 के प्री से पहले। तो जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे, आरबी जो शिवम जैन सर है वो अपने पीडीएफ जो है अवेलेबल करवाते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे हमें, तो वहां से हमें PYQ करने हैं, और मतलब मुझे PYQ करना है, ये मेरा सोर्स है। और यूट्यूब से मैं रीजनिंग के लिए एंड गेम SSC और अड्डा 247 को फॉलो करता हूँ, मुझे वहां पे सही वीडियोज मिल जाती हैं। और मैथ्स में आरबी PYQ राकेश यादव सर, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ तो मैं उनकी बुक है अर्थमेटिक और एडवांस की मेरे पे, तो मैं उसी से करूँगा। कॉन्सेप्ट किंग जो गंगन सर की आती है, फॉर्मूला बुक जो आदित्य रंजन सर की आती है, उससे मैं फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीज़ें करता हूँ। और जो मुझे यूट्यूब मतलब क्वेश्चंस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की हेल्प चाहिए, तो मैं गगन सर की वीडियोस, आदित्य सर की या अब्बास सर की वीडियोस देखता हूँ। इंग्लिश में ग्रामर में मुझे नीतू मैम, मैं पढ़ा हुआ हूँ तो उनके क्लास नोट्स मुझे सही लगते हैं और मैं उनसे पढ़ा हूँ, तो सारा कुछ मेरे को समझ में आ जाता है, तो क्लास नोट्स से मैं करता हूँ। और मेरे पे 120 रूल्स के एक PDF है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और रिविजन के टाइम मतलब जब पेपर होते हैं तो मैं इसको 120 रूल्स को पढ़ता हूँ, ठीक है। वो कैब में हमें मतलब मुझे नीतू मैम वो कैब
ये जो बुक है 15,000 वाली, वो मुझे सही लगती है, मैंने उसको ले रखा है। और वॉल्यूम वन और मैम की शीट्स, मतलब मैम जब हमें पढ़ाती थी तो हमें शीट्स देती थी, वो शीट्स है मेरे पास, तो वो मैं सारा कुछ रिवाइज करूंगा। आपके पास जो अपने सोर्स हैं, आपके जिस किसी भी टीचर से या किसी भी बुक से आप कर रहे हो, वहीं पर आप स्टिक रहो, ठीक है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। रीडिंग सेक्शन में हमें मतलब इंग्लिश माध्यम जो है पीडीएफ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल था, उससे मेरा जो है स्कोर बूस्ट हुआ है इंग्लिश में खासकर, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ डेली बेसिस पे। और यूट्यूब पे जो चीज़ें मेरे को फिर भी रह जाती हैं, उसको मैं तरुण ग्रोवर सर से कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो तरुण ग्रोवर सर का समझाने का तरीका जो है वो मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, तो मैं उनसे करता हूँ। बाकी जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो मैंने अलग अलग सोर्सेज फॉलो कर रखे हैं। आरबी पीडीएफ तो करना ही है। हिस्ट्री में क्राउन एक बुक है, लूसेंट और खानसर के नोट्स, मैं इनसे कवर करता हूँ। मतलब जहाँ पे मेरे को जो टॉपिक, जो चीज़ें सही लग जाती है, मतलब जो चीज़ें इजीली याद होती हैं करने में, वो मैं उस बुक से कर लेता हूँ। पॉलिटी में क्राउन और खानसर के नोट्स, और ज्योग्राफी में क्राउन और लूसेंट की बुक, साइंस में लूसेंट और एनसीईआरटी 9th 10th, और मेरे शॉर्ट नोट्स, मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं अपने, तो मैं वो पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स में लूसेंट और मेरी, मतलब क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूँ 11th 12th को, तो मेरी नॉलेज खुद की भी इकोनॉमिक्स की अच्छी है, तो मैं वहाँ से कवर करता हूँ खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह। और आर्ट एंड कल्चर, मतलब कि जो आपका स्टैटिक जीके जो हम कहते हैं एक तरीके से, मतलब कि डांस कल्चर वगैरह, वो सारी चीज़ें। PYQ और अरिहंत की बुक है छोटी वाली, और मेरे नोट्स हैं खुद के वो। करंट अफेयर्स में अड्डा 247 का हिंदू रिव्यू जो मंथली बेसिस पे आता है, और इंडोलॉगस का मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे वो। और हम मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने SSC को चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व करा है, तो मेरे हिसाब से जनवरी 2023 से जुलाई 2024 तक का करंट अफेयर्स करना चाहिए, तो मैं इतना करूँगा, कम से कम 1.5 साल का करंट अफेयर्स। और यूट्यूब से जो टॉपिक समझना है GS का, उसको मैं सर्च करके या उसकी जो ट्रिक्स वगैरह है वो सारा कुछ यूट्यूब से मैं सर्च कर लेता हूँ। कंप्यूटर में RB और अब्बासैनी सर का जो PDF आता है वो, और अरिहंत की बुक की PDF है मेरे पास, तो वो करता हूँ। यूट्यूब पे अरोड़ा एजुकेटर और लर्न कोडिंग जो है उससे करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि CHSL 2023 में कंप्यूटर अच्छे लेवल का पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे जो है कंप्यूटर में फेल थे, और मेनली जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो कंप्यूटर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं कंप्यूटर में पास था और ओवरऑल मेरे नंबर भी थोड़े सही थे, तो मेरे हिसाब से मेरे को कंप्यूटर के ये सोर्स सही लगते हैं। और टाइपिंग के लिए अगर, जैसे मैंने तो सीख ली है, तो Tip10 एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से सीख सकते हैं। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करने के लिए डेली बेसिस पे सोनी टाइपिंग और टाइपिंग बाबा है। और RB प्रीवियस ईयर PDF है, उसको कॉपी करके टाइपिंग बाबा पे पेस्ट करके फिर मैं उसमें प्रैक्टिस कर लेता हूँ। वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा अलग से। और मॉक टेस्ट जो है, मैंने कह ही दिया कि टेस्ट बुक RB ओलिव बोर्ड और अड्डा 247 और KD लाइफ। मैं क्योंकि KD कैंपस में पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे ना अलग से इन्होंने एक टेस्ट सीरीज दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर मैं ये देखूंगा कि जो बच्चा मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके साथ भी अपना जो है ID पासवर्ड शेयर करके उसको भी सजेस्ट करूंगा कि हाँ भाई वो भी जो है एक दो मॉक्स लगा के देख ले, ठीक है। लेकिन मैं उन्हीं कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही वो शेयर करूंगा। और मुझे पता है कि मेरे को फुल मॉक लगाने हैं, सेक्शनल मॉक नहीं। बाकी अगर किसी की स्पीड नहीं है तो वो सेक्शनल मॉक भी लगा सकता है, ठीक है। क्विजेस देने हैं मुझे और लाइव मॉक देने हैं, ठीक है। और अब मेन बात है कि जैसे हम कभी मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, तो हमें कैसे अपनी कॉपी को मेंटेन करके रखना है, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ध्यान से समझना बातों को। तो जैसे मैंने मेंस के टाइम, जैसे आप टाइम देख सकते हो यहाँ पे डेट 15/8/2023, जब मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था 2023 के, तो ओलिव बोर्ड का मैंने पहला मॉक दिया, तो मैंने नंबर लिख दिया पहला मॉक, कितने मार्क्स आए वो लिख दिए, ठीक है, मैथ्स में कितने गलत हुए वो लिख दिया, क्या क्या गलत हुआ मैथ्स में वो लिख दिया, ठीक है। और अगर आपने कोई स्किप करा है तो आप उसके लिए भी अलग लिख दो कि हाँ भाई इतना स्किप है, इतने क्वेश्चंस गलत हुए, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस आपने स्किप करे और कितने क्वेश्चंस गलत है और किस किस टॉपिक से गलत हुए, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज को आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे Day 1 का मैंने ये नोट डाउन कर लिया। अब जैसे मैंने 1 घंटे का, क्योंकि प्री का तो 1 घंटे का मॉक हुआ, तो 1 घंटे का मैंने मॉक दिया, लिख लिया। उसके बाद फिर अब मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा सोर्स मैंने यूज कर रखा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि
हमारे सोर्स में मॉक का वो चीज़ होता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं उसके लिए, हमें मॉक में जो सॉल्यूशन है या हमसे उससे जो बेस्ट सॉल्यूशन हमारे दोस्त वगैरह या कोई और कहीं से सीख रखा है उसके साथ शेयर करके हमें वो मिल जाए तो हमें वो सीख लेना है। कहने का मतलब, जैसे अगर मान लो कि मेरे को कोई मैथ्स में चीज़ है वो मेरे लिए थोड़े मुश्किल है जहाँ से मैंने पढ़ रखा है, लेकिन किसी और टीचर ने अच्छे से समझाया हुआ है और मेरे दोस्त ने उनसे पढ़ रखा है, और मैं अपने दोस्त को वो शेयर करूंगा क्वेश्चन और उसने अपने तरीके से सॉल्यूशन दे दिया और वो सॉल्यूशन मेरे को समझ में आ गया और वो मैं चाहता हूँ कि मैं अडॉप्ट करूँ, तो मैं वहीं से वो सीख लूंगा। ठीक है, मतलब आपको भी ये टेंडेंसी रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोर्स पे आपको बिल्कुल एकदम 100% डिपेंड नहीं होना, मतलब आपको थोड़ा सा जो है चेंज करके अगर दूसरों का चीजें सही लग रही है, कोई एक दो मेथड, एक दो क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, पूरे सिलेबस की नहीं, एक दो क्वेश्चन अगर आपको सही लग रहे हैं तो आप वहां से वो चीज अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा, टाइम कम मतलब टाइम बचेगा आपके पास। इंग्लिश में मैंने ये लिख लिया और जो है गलत हुए उसको मैंने एक कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अब जैसे इंग्लिश की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे इडियम्स गलत हुए तो मैंने क्या करा, कॉपी में वो इडियम नंबर वन डाल के लिख लिया और उसका जो है क्या मीनिंग है वगैरह वगैरह लिख लिया। एंटोनिम गलत हुआ तो एंटोनिम और उसके और क्या क्या हो सकते हैं वो भी लिख लिए। ठीक है, तो ये पर डे के हिसाब से आपको ऐसा करना है। तो यहाँ पे ये सारा कुछ मैंने बता दिया कि हमें मॉक को कैसे एनालाइज करना है, और जैसे जैसे चैप्टर हम रिवाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ट्रिग्नोमेट्री में 75 डिग्री वैल्यूज वाला जो है एक क्वेश्चन गलत हुआ, अब मैं क्या करूँगा, 75 डिग्री वैल्यूज वाले जितने भी क्वेश्चंस के टाइप हैं या फिर जो भी वैल्यूज होती हैं उसको मैंने पढ़ लिया, उसको मैंने रिवाइज कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर टिक लगा दूंगा कि ये मेरा हो गया रिवाइज उस दिन। ठीक है, और ये याद रखना आपको एक ही मॉक देना है एक दिन में, लेकिन उसको पूरा दिन अच्छे से एनालाइज करना है, पूरा दिन आपको अच्छे से एनालाइज करना, उसको पूरा अच्छे से झोंक देना उस चीज। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, जैसे मैंने चौथा मॉक दिया ओलिव वर्ड का और मैं 317 रहे। ठीक है, मतलब आपको दिखेगा कभी कभार कि आपके जो है नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे 262 से सीधा ओलिव वर्ड 2 का 317, लेकिन फिर उसके तुरंत बाद मेरे नंबर कम हो गए, तो आपको इससे भी जो है लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी ने मॉक उस समय अच्छा बना रखा हो, लेवल का बना रखा हो, और कभी कभार मॉक जो है इजी आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां पे आपके मार्क्स आ गए वहां से आपको कॉन्फिडेंस ले लेना है, और जहां पे आपके रह गए वहां पे आपको देखना है कि क्यों रह गए, क्या गलती थी। तो ये सारी चीजें जो है हमें टैकल करके चलना है, और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। मॉक्स में जितने भी मार्क्स आए आप वो समझ लो कि आपको और मेहनत करने की जरूरत है उससे। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी नोटबुक कैसे थी। ठीक है, मैंने ओवरऑल 25 मॉक्स लगाए थे, लेकिन फिर भी मेरा जो है नहीं हो पाया। मैं अभी रीजन बताता हूँ कि क्यों नहीं हो पाया 2023 में। तो मेरे जो है मॉक्स इस हिसाब से आपको भी एनालाइज करना है, और मैं ऐसे एनालाइज करता हूँ अपना मॉक, और अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल सके तो आप कर सकते हो वो चीज। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा इंस्ट्रक्शंस फॉर अटेम्प्टिंग मॉक्स। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मैं भी पहले था, कि मॉक हमने ना कभी भी कहीं पे भी बैठ के दे दिया, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा जो कि मैंने ऑब्जर्व करी है। मैंने एक छोटी से छोटी बात होता ना एकदम बिंदु वाली बातें भी जो है माइंड में नोट करके रखा हुआ है, और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये चीज़ों का मैं ध्यान में रखता हूँ अभी। ठीक है, अब बताता हूँ क्या क्या। देखो सबसे पहली बात, स्ट्रेस। देखो कई बातें आपको ऐसी लगेंगी जो बचकानी है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना बड़ा मैटर कर सकती है मैं आपको अभी शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। स्ट्रेस, अब भाई कोई बच्चा है वो एग्जाम हॉल में जीन्स और शर्ट पहन के जाता है, ठीक है, शूज वगैरह पहन के जाता है वो, लेकिन वो जब मॉक देता है घर में बैठकर या कहीं पे भी लाइब्रेरी वगैरह में जाकर, तो वो लोअर और टी शर्ट में देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो ड्रेस पहन के मॉक देते हैं और जो एग्जाम हॉल में पहन के जाते हैं वो डिफरेंट होने की वजह से हम कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते एग्जाम हॉल में, क्योंकि हमें आदत है जो है अपना ड्रेस लोअर और टी शर्ट पहन के। तो हमें जब आदत है ना तो हम आदत को अचानक से चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो ये फेस करा हुआ है कभी कभार मैंने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं जो है टी शर्ट और लोअर में जाता हूँ, और गर्मी का मौसम है तो स्लीपर में, और अगर ठंड का मौसम है तो शूज में। तो
मैं वही ड्रेस जो है पहन के अपना मोक देता हूँ, घर में हो चाहे लाइब्रेरी में हो। तो एक ड्रेस बहुत बड़ी चीज जो है वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, वाटर बॉटल। अब जैसे ही मेरे साथ क्या है ना कि मेरे को प्यास लगती है तो मैं अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाता हूँ, एग्जाम हॉल में भी और अलाउड है, और मैं जब मोक देने बैठता हूँ ना तो मैं वो भी लेके बैठता हूँ, ठीक है, वाटर बॉटल। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, जो जो आप चीज़ वहाँ पर करने वाले हो वही चीज़ आपको मोक में भी जो है डेली बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। तीसरी चीज़, जैसे तीसरी चीज़ है टॉयलेट। अब मैं आपको वैसे बहुत ये गलत बात है एग्ज़ाम हॉल वालों की, क्या होता है ना कि मेरा जो सेंटर पड़ा था वो आगरा पड़ा था, मेंस की बात करूँ, मेंस का मेरा आगरा पड़ा था, सेंटर बहुत छोटा था, ठीक है। वहाँ पर जैसे हम एंटर कर रहे हैं, एक तो लेट उन्होंने एंट्री करी, ठीक है, उसके बाद फिर वो चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर बंदे को और बोल रहे कि भाई पहले वॉशरूम कराओ। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, हमें बैठना है 2-2.5 घंटे एग्जाम हॉल में, बीच में आप वॉशरूम नहीं जा सकते और पहले ही आपको कर लेना है, ठीक है, वो भी आप आधा घंटा पहले अगर एंटर कर रहे हो तो, मतलब आपको 3 घंटे तक रोक के रखना है। और गर्मी का मौसम हुआ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि हम पानी पीते हैं फिर वॉशरूम जाना होता है, ठीक है, टॉयलेट वगैरह लग जाता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं टॉयलेट वगैरह वॉशरूम वगैरह गया क्योंकि भाई मेरे को टेस्ट से मुक्त मतलब पेपर से पहले वॉशरूम जाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बीच में ना हो लग जाए और उससे क्या होता है ना कि अनकंफर्टेबल हम फील करते हैं, खासकर मैं। तो मैंने वो जो है वॉशरूम वगैरह गया, उसके बाद ना फिर हमारा क्या हुआ कि पहला लॉगिन हो चुका और हमारा बायोमेट्रिक हो रहा है, तो दिक्कत ये हो गया ना कि वहीं से प्रेशर क्रिएट हो गया कि हाँ भाई अभी टाइम रहता है, पता नहीं कैसे होगा क्यों, क्योंकि देखो एग्ज़ाम हमें देना है, भुगतना हमें है, एग्ज़ाम हॉल का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं जब बैठा, अब क्या हो रहा है कि प्रेशर की वजह से जो है वॉशरूम वगैरह लग रहा है, 2.5 घंटे बैठने भी हैं। अब वहाँ पर क्या हुआ कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े वैसे आ गए, और बीच में ना क्या हुआ कि जो कंप्यूटर है ना हमारा वो बिच्चा बिच्चा था, मतलब कि चिपके चिपके पड़े थे, ठीक है, ऊपर से बोल रहे थे कि और अंदर घुस के बैठो, ठीक है, मतलब बहुत छोटा सा वो जो है एग्ज़ाम हॉल था और जो इन्विजिलेटर होते हैं वो पास में ही आके जो है अपना बात कर रहे थे, तो हमें ना वहाँ से भी डिस्टर्बिंग हो रही थी। तो ये बहुत ना इशू फील हुआ था मुझे, जो अब कंप्लेंट करूंगा भी तो कैसी, मतलब क्या ही रहेगी चीज़ें, ठीक है, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा ही जाएगा सब कुछ कोर्ट वगैरह, तो ये नहीं होना चाहिए वैसे तो एग्ज़ाम हॉल, लेकिन मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो मैं वही कह रहा हूं कि मोक में ही आप सारे जो है बैड सर्कमस्टांसेस के लिए आप प्रिपेयर रहो, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ जो है आपको सिलेक्शन से दूर ले जाता है, छोटी छोटी सी चीज़ें। अब जैसे देखो मेरी से एक छोटी सी चीज़ जो है, एक छोटी सी गलती जो है, मेरी आदत नहीं थी क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम पड़ता था वो नॉर्मली नोएडा सेक्टर 62 बहुत अच्छा है वहाँ पे, मतलब जैसे CHSL की अगर बात करूँ, मैं थोड़ा सा शेयर करता हूँ। CGL जब मैं देने गया तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई और मेरा पेपर हो गया बेकार क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर था नहीं, लेकिन एक हफ्ते बाद CHSL का मेंस था और वहाँ पर मेरा नोएडा सेक्टर 62 था, वहाँ पर मैं बीच में भी वॉशरूम गया, ठीक है, मतलब वहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठ के मैंने एग्जाम दिया और मेरा इतना मस्त एग्जाम गया ना, मतलब मैथ्स रीजनिंग तो मैंने 1/2 घंटे में कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, और वहीं मैं CGL मेंस की अगर बात करूँ तो वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर होके गया था, लेकिन वहाँ पे फिर भी मैं अपना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि जो बैड सर्कमस्टांसेस मेरे साथ हो गई थी उसके लिए मैं उस समय प्रिपेयर नहीं था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे कई बार आप मोक दो तो आपको वॉशरूम लग रहा हो तो आप पॉज करके जाओ मत वॉशरूम करने, आप थोड़ा कंट्रोल करना सीखो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम हॉल में भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, तो आपका एक आदत बनी रहे। वैसे तो ये गलत बात है लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है ना, तो ये चीज जो है एक फैक्टर मेरे को लगता है कि हाँ भाई थोड़ा बच्चों को कंसिडर करना चाहिए। तो ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज, अब जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो मोक क्या करते हैं, फोन में या फिर अपना किसी और चीज़ पे देते हैं, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप पे देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं ये कहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई साइबर कैफे है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, वो एक तरीके से एग्ज़ाम हॉल का जो है एक्सपीरियंस देते हैं, 10 रुपये लेते हैं शायद 1 घंटे का, तो आप वहाँ पे मोक दे आओ, ठीक है, 1 घंटे का मोक, और वहाँ से माउस और जो बाकी चीज़ें हैं, मतलब एक पेपर लेके जाओ, एक या दो पेपर, और वहाँ पर जो है अपना बैठ के डेली बेसिस पे या फिर कैसे भी
जो है अगर 3 दिन देना चाहते हो मॉक वहाँ पे, तो वो वैसे करके दे दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फ़ोन पे ही दे सकते हो, मतलब बहुत प्रॉब्लम है तो फ़ोन पे ही दो, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करना, ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाए तो। तो लैपटॉप पे हो सके तो, और वो भी माउस लगा के, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं लैपटॉप पे थोड़ा स्क्रॉल करने वाला होता है, लेकिन मैं लगाता हूँ माउस लगा के, ठीक है, माउस लगा के, और पर्टिकुलरली एक पेज लेता हूँ और एक पेज में ही सारा सॉल्यूशन करता हूँ, मतलब जिस हिसाब से एग्जाम में बैठूंगा उसी हिसाब से हमें यहाँ पे मॉक देना है, ठीक है। और पांचवी चीज, मॉक्स की टाइमिंग। देखो हमारा जो एग्जाम है ना प्री का, वो 4 शिफ्ट में होता है, ठीक है, एक 9 से 10 का होता है, और एक 11 से या 12 या 12 से 1 का होता है, ठीक है, या 11.5 से 12.5 का होता है, ऐसे करके होता है, या यहाँ पे 8.5 से रहता है 9.5 का, मतलब इसी हिसाब से रहती है चीज़ें। तो जो ये टाइमिंग्स होती है ना, हमें कई बारी होता है कि इसमें, जैसे अब मान लो कि मेरा जो शिफ्ट है वो मॉर्निंग का पड़ गया, मुझे आदत नहीं है मॉर्निंग में मॉक्स लगाने की, तो मेरे साथ क्या हो सकता है, प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरे को वहाँ पे नींद आ जाए, ठीक है, या फिर थोड़ा मैं लो फील कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इसको भी आप प्रिपेयर होके चलो कि हाँ भाई, मैं जो शेयर करूंगा आपके साथ स्टडी प्लान, उसमें मैं ये भी दूंगा कि आपको मॉक्स देना है और इतने टाइम पर देना है, ठीक है, जैसे 8.5 से 9 के बीच में ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए आपको, ठीक है। तो आप पहले ही सुबह उठ जाओ और मॉक दो, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा कि जैसे 12.5 से 1 1.5-2 मॉक, ठीक है, तो मॉक इसमें देना है। तो टाइमिंग मैटर करता है कई बारी, तो मैं इस हिसाब से देता था पहले भी, और अभी मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा कंसिडर करो, ठीक है। तो ये मॉक्स थे इंस्ट्रक्शंस कि आपको किस हिसाब से मॉक्स जो है देने चाहिए। जो मेरे मन में सारे पॉइंट्स थे, सारी चीज़ें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। और देखो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब इतना एक्सपीरियंस मेरे पे है कि मैं एक एक चीज़ को नोटिस करके आया हूँ एग्ज़ाम हॉल में। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बच्चे अपना आधार कार्ड वगैरह लेके जाना भूल जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कई बच्चे लेट पहुंचते हैं, बहुत अच्छे बच्चे जो हैं, मतलब पढ़ के गए हुए हैं, वो लेट पहुंच के फिर उनका एग्ज़ाम नहीं दे पाते, वो फिर आउट हो जाते हैं, 1 साल बर्बाद, उसके बाद फिर दोबारा अटैम्प्ट देना है। तो ये बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, सारी चीज़ों को आपको कंसिडर करना है, सारी चीज़ों को आपको एक साथ लेके चलना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कर रखा है सैटरडे और संडे जो लाइव मॉक्स होते हैं, उसका एक सॉल्यूशन, मतलब जैसे मैं कैसे मॉक लगाता हूँ, ठीक है, मैं कैसे मॉक लगाता हूँ, मतलब मेरा क्या पैटर्न रहता है, मैं क्या करता हूँ और किस कितने लेयर में करता हूँ एग्ज़ाम वगैरह, तो मेरे हिसाब से आपको उससे थोड़ा सा हेल्प मिल सकेगा। तो मैं सैटरडे संडे का जो है अपना जो भी मॉक दूंगा उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा कि कैसे मैं मॉक दे रहा हूँ, और वो आपको जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, और मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ भाई, हमें किस हिसाब से अपना माइंडसेट लेके चलना है मॉक में, और वही चीज हमें एग्जाम हॉल में भी अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा सैटरडे संडे का लाइव मॉक, ठीक है, सारे डेली मॉक नहीं, मैं आपको सैटरडे संडे लाइव जो है उसका सॉल्यूशन दिया करूंगा। तो ये इतनी बातें थी जो मेरे हिसाब से सारी चीजें थी। बाकी आपको अगर कोई चीज लगे कि रह गई हो, या आपके हिसाब से कोई चीज बतानी चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।